डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का मैथ क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.4 है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्या कह रहा है, एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इंटेजर्स का डिवाइड दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैंने ए और बी पार्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे -30/10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे -30/10, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो ये माइनस जब सिंगल रहेगा किसी एक पर तो माइनस रह जाएगा, यहाँ पे 3 बार में कट गया, इक्वल टू -3, इसका आंसर हो जाएगा -3। तो इसी तरह से इसको भी ले लेते हैं, 50, ये 50 हो गया और नीचे में -5, तो सिंगल माइनस रहने पर माइनस रह जाएगा, 5 10 10 बार में ये कटता है, तो इक्वल टू ये माइनस रह जाएगा -10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। और सी नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों में माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -36/-9, तो ये माइनस माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा और 9 4 जा 36, 4 बार में कट गया, तो यहाँ पे ये जो है 4 माइनस में नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा, ये आंसर हो जाएगा सी का। और डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है -49/49, तो प्लस में दिया हुआ है, इस तरह से इसको ब्रैकेट में घेर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ये प्लस में है, इसको घेरने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ -49 हो गया और नीचे में 49 हो गया, तो सिंगल माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, -1, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का ई और एफ पार्ट है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसको डिवाइड देना है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट जो है बड़ा ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग को हटाना पड़ेगा, 13/ ये जो है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम रखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा -2+1, ये हो जाएगा, तो -2+1 इसका मतलब होगा यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ 13 हो गया डिवाइड -1 हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 13-1, तो ये कितना बार में जाएगा, 13 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, -13 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एफ नंबर में 0 और -12 है, तो 0/-12, तो 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, इक्वल टू उसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता, 0 जो होता है 0 प्लस में ही होता है, वो कभी भी माइनस नहीं होता है, तो 0 जो है वो 0 में ही रहेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग।